वेलकम बैक टू श्री शिकांक्षा व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी बज रहे सुबह के 5 एंड आज है करवा चौथ का दिन। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ एंड अब हम लोग सरगी खाने वाले हैं, तो उसी के लिए मैं उठी थी। तो फटाफट अभी पहले पूजा कर लेते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं। पूजा नहीं करना है, मतलब सिर्फ प्रसाद चढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर मैं खाने बैठ जाऊंगी खाना, और बस यही करना रहता है सुबह। ये देखो मेरी मेहंदी का कलर अभी तो और आएगा। तो अच्छी लग रही है। तो अब मैं फटाफट खाना गरम कर लेती हूँ। रात को बना के जो सोई थी मैं, तो वही खाऊंगी, पनीर की सब्जी और रोटी। वही पनीर की सब्जी बनाई थी और रोटी और मिठाई खा ली थी और थोड़े ये बादाम। तो गाइस सरगी मैंने खा ली है एंड शिरीष के घर पे, मेरे घर पे, दोनों घर पे बात कर ली। तो अब सोते हैं। अभी वैसे सनराइज हुआ नहीं है, यहाँ पे 7:15 का टाइम है। तो 5-5:30 बजे खा ली मैंने सरगी। तो अब थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 एंड अभी हम लोग आए मार्केट से, थोड़े फ्रूट्स वगैरह लेने थे शाम को पूजा में चढ़ाने के लिए। एंड अभी मैं प्रसाद बना रही हूँ, तो पूड़ी और खीर बनेगी। तो पूड़ी के लिए ही मैं आटा गूंद रही हूँ एंड उसके बाद कुछ नहीं करना ना। फिर मैं थोड़ी पूजा की तैयारी करने लगूंगी एंड रेडी होने जाऊंगी, क्योंकि शाम को पूजा करके और फिर हमारा प्लान है कि हम टेंपल जाएंगे। तो या ये प्लान है आज का, क्योंकि हमारा फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो यही ये वाला ये एक एरिया है एंड इधर भगवान हमारे यहीं पे है, तो मैंने सोचा यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि सारा पूजा का सामान यहीं पे है तो इजी हो जाएगा। तो इधर पूरी तलने की तैयारी, घी गरम हो रहा है और इधर खीर बन रही है। तो अभी आकांक्षा जी पूड़ी बेलने की तैयारी में है। हाँ, उसके बाद मैं रेडी होने जाऊंगी। फिर रेडी होने जाए और उधर पूजा की थोड़ी थोड़ी हमने सब सामान इकट्ठा कर दिया है। हाँ, ये पूजा का भी थोड़ा रेडी हो गया है। जस्ट आकांक्षा ने धरती से भी ज्यादा गोल पूड़ी बनाई है। फर्स्ट पूड़ी ऐसी बनती है। हाँ, वैसे भी भगवान भावना देखते हैं। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ फाइनली करवा चौथ के लिए एंड बस अब मैं पूजा करने वाली हूँ। तो ये मेरा आउटफिट है आज का पूजा वाला एंड शिरीष का भी दिखा देती हूँ मैं। और ये मेरा आ रहा है पूरा। हाँ, सब पहन लिया है जो मेरे पास था। चलो पूजा शुरू करते हैं। हाँ। कुछ सामान वगैरह
महिलाओं के अखंड सौभाग्य का प्रतीक करवा चौथ व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के सात लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी तो कथा मैंने सुन ली है एंड घर पे जो पूजा होती है वो कर ली है, बट अभी भी चांद तो निकला नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 7:45 एंड गूगल पे मैंने देखा तो 8:35 को दिखा रहा है मूनराइज। बट तब तक हमने सोचा कि हिंदू टेंपल जाते हैं एंड देखते हैं, वहाँ पे थोड़े दर्शन भी कर लेंगे। एंड हम लोग मंदिर से वापस आ गए हैं और अभी 9:15 हो चुका है, तो बस चांद का ही वेट कर रहे हैं कब निकलेगा। तो वही तब तक टाइम पास करते हैं और क्या, देखते हैं कब आ जाते हैं। मैंने सुना इंडिया में लेट निकला था तो इधर भी लेट ही निकलेगा। तो और अब मंदिर में भी हम जाने में थोड़ा लेट हो गए थे। हाँ, और मंदिर में भी जाने में हम थोड़ा पूजा करने में ये हो गया। हाँ, तो पूजा हमने करी फिर हम मंदिर गए। वैसे वहाँ पे लोग 4-5 बजे पहुँच जाते हैं और फिर जो पूजा हमने यहाँ करी वो सब वो उधर करते हैं मंदिर में, और हमने घर पे कर ली। लेकिन हमें आरती मिल गई तो हम आरती लेकर आ गए। हाँ, तो अब देखते हैं कब आता है, बाहर चल के देखता हूँ। कुछ कहीं माहौल तो नहीं दिख रहा अभी तक। और अभी हवा की आवाज आ रही होगी आपको, और शायद अभी का टेम्परेचर अराउंड 6 या 5 है, तो काफी ठंड है बाहर। तो फिर देखने आते हैं थोड़ी देर में, अंदर चलते हैं। खाना लगता आ गया हमारा। तो हमारा खाना आ चुका है, मैसेज आया था और चांद तो निकलने का नाम नहीं ले रहा। अब तो मेरे को खाना देख के और भूख लग रही है। 9:30 भी हो गए हैं। 9:30 बज गए। बड़ी मुश्किल से हमारा दिया जला, इतनी देर से जल ही नहीं रहा था। हवा चल रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, तो हमने इधर से चांद देख के किया।
बट फाइनली पूजा हो गई है एंड हमारा खाना भी आ चुका है, तो अब फटाफट खाना खाते हैं। बाहर बहुत ठंडी है और ठंडी भी चलते हो रही है। हाँ तो चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस करवा चौथ की पूजा अच्छे से हो गई है एंड हम लोग का तो फर्स्ट करवा चौथ था, तो मैंने सब कुछ सीख सीख के और किया एंड होपफुली आप लोगों का भी करवा चौथ ऐसे ही स्पेशल रहा होगा। इससे मुझे याद आया कि अभी हमें गिफ्ट देना बाकी है। वो तो देना भूल गया गिफ्ट भी है मेरे लिए। हाँ वो देना भूल गया, रुको अभी एंड नहीं करेंगे हम लोग, अभी पहले गिफ्ट लाते हैं। ओ ये मुझे नहीं पता था। कुछ तो तूफानी सा ही लग रहा है। मैं कैमरा लाता हूँ तब तक। दो दो चीज है कुछ तो। क्या है? स्वारोस्की। बहुत ही सुंदर है ये तो। अच्छा लगा? इसलिए तो पेपर का इजी निकला। एक करवा चौथ के दो गिफ्ट हैं। हाँ। iPhone 13 Pro। iPhone 13 Pro है? हाँ। Oh my God! ओपन करूं? पीछे से। oh, अच्छा कलर है। Oh my God! खोलू? हाँ। ओह हो, क्या सही लग रहा है ये। तो गाइज इन्हीं करवा चौथ के सुंदर सुंदर गिफ्ट्स के साथ मतलब मैं तो पागल हो गई हूँ। अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा एब्जॉर्ब करने में कि आईफोन 13 प्रो है ये। ओह माय गॉड, पहला करवा चौथ था तो पूरे मौर्य परिवार की तरफ से। ओह क्या बात है। तो चलो अब इसको धीरे धीरे सेटअप करेंगे, बट फिलहाल तो ये व्लॉग को एंड करते हैं। अभी घर पे कॉल भी करना है, सबसे बात करेंगे एंड फिर हम खाना खाएंगे। ऑलरेडी रात हो चुकी है एंड कल ऑफिस है। तो होपफुली आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा एंड हम दोनों की तरफ से मतलब मैं और जो कैमरे के पीछे हैं शिरीष, हम दोनों की तरफ से आप सबको हैप्पी करवा चौथ। तो आप सब ऐसे ही अच्छे से अपने पार्टनर के साथ करवा चौथ मनाएं हर साल, ये हमारी विशेज है। अगर पार्टनर नहीं है तो जल्दी पार्टनर बनाएं, शादी वादी करें। तो इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं, आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज श्री शकांक्षा व्लॉग्स। बाय बाय।